ये देखो 997। तो भाई हमारी फैमिली 100 बोल रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाली है भाई। बहुत तगड़ी फील है भाई, मतलब वाइब आ रही है बहुत तगड़ी, समझ सक रहे हो ना। तो भाई प्यार है तुम सबसे, देखो 1000 सब्सक्राइबर है होने वाले, बस फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ, फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ भाई, जल्दी से जल्दी हमें। सो हाय गाइस, सबका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस अर्टिगा की प्राइसिंग और थोड़े फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप देख सकती हैं गाड़ी का ओवरव्यू, लुक कितनी प्यारी है इस गाड़ी की। तो यहाँ पर लुक आपको अच्छे से, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम लग रही होगी पर लुक वाकई में काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसकी दिन की फ़ोटोज़ देखें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं, यूज़र नेम आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करके अंदर बैठ के आपसे बात करूँगा। तो अभी अंदर अगर जाके सबसे पहले देखिए इसका इंटीरियर, कितना प्यारा इंटीरियर है ये देखिए, स्क्रीन कितनी प्यारी लगती है। और बाकी इंटीरियर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये देखिए। तो भाई मेरे को काफ़ी सवाल आ रहे थे इस गाड़ी के बारे में कि कमेंट्स में कि भाई कितने की पड़ी आपको ये कार, और क्या आपकी पेट्रोल वाली है कौन सी है, बहुत बंदों ने मेरे से पूछा। तो आपको मैं बता दूं, ये गाड़ी जो है वो मेरी है, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, अर्टिगा पेट्रोल प्लस सीएनजी 2020। तो ये है अर्टिगा VXI सीएनजी 2020। ये गाड़ी की प्राइसिंग मुझे पड़ी 10,18,000 के करीब। तो ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 10,18,000 की पूरी ये गाड़ी मुझे पड़ी है, तो जिसमें इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूड है। तो ये देखो, ये गाड़ी का काफ़ी अच्छा इंटीरियर है और एक्सटीरियर की लुक्स काफ़ी अच्छी थी। तो मैं आपको बताऊँ तो मैं पहले भी अर्टिगा का ओनर रह चुका हूँ, जो पुरानी वाली अर्टिगा थी, 2017 मॉडल था मेरे पास, ग्रे कलर, ग्रे नहीं सिल्वर कलर था मेरे पास। तो अब मैंने ये अपग्रेड कराई है 2020 वाली अर्टिगा पर, मैग्मा ग्रे कलर लिया है इसका। तो ये गाड़ी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये गाड़ी मेरी अभी 3000 किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3000 किलोमीटर चल चुकी है, और मैं इस गाड़ी से अभी तक पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे गाड़ी को लिए हुए मतलब साल होने वाला है, या फिर देखो जैसी मैंने गाड़ी ली ना उसी टाइम ही लॉकडाउन लग गया, तो ये भाई गाड़ी मेरे को चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो इस गाड़ी को मैं अभी कहीं बाहर लॉन्ग टूर पे तो नहीं लेके गया अभी तक, लेकिन लोकल में इसको लेके घूमा हूँ, और लोकल में तो भाई गाड़ी चलने में एकदम बढ़िया, माइलेज देने में एकदम बढ़िया, अगर इसको हम कह सकते हैं तो हम, मैं अपनी तरफ से इसको बोलूँगा बेस्ट CNG कार, अगर 7 सीटर में आपको चाहिए भाई, इससे बढ़िया गाड़ी आपको नहीं मिल सकती 7 सीटर में। अगर आपका बजट 10 लाख के करीब है तो भाई ये गाड़ी की तरफ जाइए, और इस गाड़ी को मतलब भाई बहुत सैल्यूट है मारुति वालों को जो ऐसी गाड़ी बनाई, और बजट कार है, सबसे बढ़िया बात है बजट कार है ये। और जिसको मतलब 7 सीटर कार चाहिए, थोड़ा मतलब इनोवा तक वो जा नहीं सकता, और मराजो वगैरह भी है, लेकिन मराजो की भी सिर्फ डीजल, वो कहते हैं डीजल वाला वेरिएंट आ रहा है मराजो में भी, लेकिन अगर पेट्रोल में चाहिए गाड़ी और 7 सीटर चाहिए, बेस्ट बजट वैल्यू फॉर मनी कार, तो भाई अर्टिगा ही है, अर्टिगा ही बेस्ट कार है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी देख ले, फीचर्स वाइज देख ले, फीचर वाइज थोड़े मराजों में एक्स्ट्रा मिलते हैं, पर उसके लिए आपको पे भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जितना आप इस गाड़ी के लिए पे करोगे उतना इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिलेंगे, ये भाई मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इस गाड़ी को ले चुका हूँ और सेटिस्फाइड ओनर हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड उस गाड़ी से। देख सकते हो पीछे कितनी स्पेस है, काफ़ी खुले बैठ सकते हैं, देखो बीच में आर्मरेस्ट भी है, बस मेरे को यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिला। यहाँ पर भी देखो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर एक आर्मरेस्ट लेकिन होना चाहिए था, उसकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन आफ्टर मार्केट सोच रहा हूँ लगवा लूँ। तो भाई वैसे ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी थी। ओवरऑल अगर आपको बताऊँ इस गाड़ी के बारे में, भाई ये थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफिकेशन अभी कराई नहीं, मैं इसकी मॉडिफिकेशन की एक ना अलग से वीडियो बनाऊँगा, मतलब मॉडिफिकेशन अभी तो नहीं, क्योंकि देखो गाड़ी को 1 साल होने वाला, लेकिन चली बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं पॉलीथीन भी नहीं उतरी सीट्स की, क्योंकि गाड़ी अभी चली ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ देखो 3000 किलोमीटर चली है। 3000 किलोमीटर में तो भाई अभी मतलब इतना कुछ नहीं पता चलता, 3000 किलोमीटर नॉर्मल ही होते हैं एक तरीके से। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, अभी जब गाड़ी में चलाऊँगा अभी, क्योंकि लॉकडाउन जब पहले था, जब जैसे मैंने गाड़ी ली वैसे ही लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद मैं चला नहीं पाया गाड़ी, मतलब थोड़ा बहुत लोकल में घूमता था, और हमारा काम भी ऐसा ही है थोड़ा बहुत, जो कि हम भाई गाड़ी को लेके तभी निकलते हैं जब कोई फंक्शन वगैरह हो। तो वैसे ये CNG मैंने इसलिए ली थी
क्योंकि CNG से रिलेटेड थोड़ा मतलब लॉन्ग रूट में मतलब गाड़ी बहुत जाती थी हमारी, तो इस चक्कर में मैंने CNG ली। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो वो वाला काम किसी काम से किसी वजह से रुक गया, तो वो वाला काम रुक गया इसीलिए हमने CNG ली थी, नहीं तो हमें पेट्रोल लेनी थी, तो CNG लेने का यही रीज़न था। और भी बहुत सवाल थे, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे ही मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही मैं सोच रहा हूँ एक Q&A वीडियो का करूँ, अपडेट दूँ Q&A जिसमें आप क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो और मैं आपको सारे जवाब दूंगा गाड़ी से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर हाँ, क्वेश्चन इतने पर्सनल नहीं होने चाहिए, जो नॉर्मल हो मतलब जो मैं बता सकूँ, जैसे जो आपसे जो पूछे बंदा आप बता सको वैसे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, तो वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर बताऊंगा कि मेरे को कहाँ पर पूछने हैं आपने क्वेश्चन। मैं एक दिन पहले आपको बताऊंगा, स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम पर, उसमें आपने क्वेश्चंस मेरे से पूछने हैं। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू भाई, कि 1K सब्सक्राइबर्स पे एक Q&A हम निकालेंगे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, उस दोस्त के साथ अपनी वीडियो शेयर करो जो अर्टिगा लेना चाहता है, अर्टिगा लेने वाला है, या फिर कोई इनोवा या फिर मराजो की तरफ थोड़ा सोच रहा है, जो कंफ्यूज है लेने में, तो भाई मेनली उसके लिए है। ये देखिए फीचर्स तो भाई एक नंबर है, क्योंकि ये VXI टूर है, मैं शायद या VXI CNG है पता नहीं, लेकिन फीचर्स भाई जिस हिसाब से प्राइस है ना वर्थ है, पूरे वर्थ, मेरे को एक एक रुपया अपना वर्थ लगा इस गाड़ी को लेकर, ये तो मैं भाई खुद बोल सकता हूँ बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। आप इंटीरियर की लुक से ले लो, बाहर की एक्सटीरियर लुक से ले लो, फीचर्स से ले लो, परफॉर्मेंस से ले लो, माइलेज भाई एक नंबर माइलेज है, ये तो मैं आपको बता दूँ, कम से कम 150 किलोमीटर चल जाती है ये आराम से, और अगर CNG पर चलाओ 150 किलोमीटर बिना AC के चल जाती है। AC के साथ जैसे देखो अगर गर्मी है तो कहीं हम गए जाम वाम लग गया तो हमने क्या करते हैं भाई, जाम वाम में AC चल रहा होता है और गाड़ी स्टार्ट होती है हमारी, तो ये होता है, तो AC में भाई थोड़ी कम दे देती है, 120 या 100 निकाल देती है आराम से AC में भी, लेकिन बिना AC के तो भाई साहब ये माइलेज मशीन है कसम से, बहुत तगड़ी माइलेज देती है भाई ये कार। एंड गाइस एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा आप सबसे, क्योंकि मैं आपसे एक अपडेट देने आया हूँ, आपको ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक छोटा सा मोटिव है, एक आपको अपडेट दूँ या फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर व्लॉग्स आएँ तो हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकती हैं कि हम, क्योंकि हम व्लॉग बनाते थे, आपने अगर कोई व्लॉग नहीं देखा तो पहले वाली वीडियोस में जाके देखो, एंड में नीचे आपको सारे व्लॉग्स दिखेंगे, या फिर आई बटन में दबा लो, आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट है व्लॉग्स की, तो वहाँ पर जाकर देखो और बताओ आपको व्लॉग्स चाहिए अब या नहीं चाहिए। तो बाकी अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज लगी तो मेरे को प्लीज़ बताना, क्योंकि मैंने ट्राईपॉड लिया, मैं ट्राईपॉड से भी शूट कर सकता हूँ, मतलब कर ही रहा हूँ। तो लास्ट जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सपोर्ट मिलेगा तो और ज़्यादा वीडियोस डालता रहूँगा और प्यार दिखाते रहो भाई वीडियोस पे। बाकी ये देखो अभी भी तो नहीं बैठका हुआ है।